हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल चार्ज थ्री गेमिंग में। मैं हूं आपका होस्ट चार्ज थ्री अमीर, और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पबजी मोबाइल की लेटेस्ट अपडेट में जो मैप को इंट्रोड्यूस किया गया है, पबजी मोबाइल एरेंगल विंटर मैप, आप वहां पे कैसे एक सीक्रेट लोकेशन पे जा सकते हैं जहां आपको हर एक तरह की स्नाइपर और स्कोप मिल जाएंगी। जी हां दोस्तों, हर एक तरह की स्नाइपर और स्कोप, स्नाइपर्स रेंजिंग फ्रॉम M24, Kar98, VSS, SKS, मिनी, हर एक तरह की स्नाइपर एक्सेप्ट AWM। और आपको पता ही होगा AWM एक एयर ड्रॉप स्नाइपर है, और आपको इसके साथ ही साथ 8x, 6x, 4x, 3x हर एक तरह का स्कोप भी मिल जाएगा। तो आपको इस सीक्रेट लोकेशन को जाने के लिए आपको बस मेरा इस वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको स्टेप टू स्टेप हर एक प्रोसीजर बता रखा है कि आप इस सीक्रेट लोकेशन पे कैसे जाके अपना सारा लूट ले आ सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जाने के लिए पहले आपको क्या करना होगा, आपको क्लासिक मोड में एरेंगल मैप को सेलेक्ट करना होगा, और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको TPP खेलना है, फिर FPP खेलना है, और ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको सोलो जाना है, फिर डियो या फिर स्क्वाड के साथ खेलना है। एक बार आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, और इसके साथ स्टार्ट बटन को क्लिक करना होगा, ऐसे में आपका जो मैच मेकिंग है स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों आपको याद रहे, एक रैंडम सिलेक्शन है, और आपको इसमें मैं 100% अश्योरेंस नहीं दूंगा कि फ़र्स्ट टाइम ही आपको विंटर मैप मिल जाएगी। इसमें फ़र्स्ट टाइम ही आपको नॉर्मल एरेंगल मैप मिल जाएगी, जहां एंग्री बर्ड का जो लेआउट या फिर एंग्री बर्ड का जो गेम है वो दिख जाएगा। तो इसीलिए आपको क्या करना होगा, इस वाले मैप को एग्ज़िट करना होगा और फिर से ट्राई करना होगा। दोस्तों याद रखिए, ऐसा करने से आपको कोई भी रैंक लो नहीं होगा और आपके स्कोर पर इफ़ेक्ट नहीं करेगा अगर आप एग्ज़िट करते हैं बिफोर बोर्डिंग द एयरप्लेन। तो दोस्तों ये आपको तब तक करना है तब तक आप विंटर मैप नहीं जाते। विंटर मैप का जो लेआउट होता है वो कुछ ऐसा होता है दोस्तों। यहाँ पे आपको एक पूरा कैसल मिल जाएगा जो पूरा बर्फ़ से बना होगा। तो ये है विंटर मैप, और आप देख सकते हो इस मैप में थोड़े चेंजेस आएंगे हैं एरेंगल में, जहाँ आपको तीन जगह स्नो मिलेगा। एक है याक्सना पोलाना में, एक है पोचिंग के और स्कूल के बीच में, और तीसरा जो है वो है जॉर्जो पुल के बाजू वाली पहाड़ी पे। तो दोस्तों हम फिलक पे इस आइलैंड में है जो स्पॉन आइलैंड के थोड़े बहुत दूर पर ही है, और इस आइलैंड को पहुँचने के लिए आपको ना प्लेन से ही उतरना होगा। अगर प्लेन का जो रूट है वो आपके आइलैंड तक नज़दीक नहीं है तो एग्ज़िट करके आप ट्राई करिएगा, क्योंकि अगर आप वहाँ तक बोट में जाके फिर वापस आएंगे तो बहुत टाइम लग सकता है, और इससे आप जोन में मर भी सकते हैं। तो ऐसे करने से दोस्तों आप यहाँ पे जा सकते हैं। तो अभी मैं बताऊँगा कि आपको यहाँ से प्लेन में से कैसे बोर्ड होकर इस आइलैंड तक जाना है। तो दोस्तों जब आपको बोर्ड कर लोगे तो आपको एक चीज़ तो मेक श्योर करनी ही पड़ेगी कि जहां आप प्लेन से जंप करोगे वो स्पॉट आपके जो आइलैंड या फिर कैसल या फिर सीक्रेट आइलैंड से बहुत करीब हो, और आप ये भी ट्राई करें कि आप डायरेक्ट पैराशूट से ही वहां पे जाके लैंड करें, और ये ना हो कि आपको कोई बोट यूज़ करना पड़ेगा, इससे आपका जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा लग सकता है और जोन भी बहुत नज़दीक या फिर बहुत जल्दी आ सकता है, आपकी हेल्थ को भी बहुत डैमेज कर सकता है। तो फिर लकीली मेरा जो एंड पॉइंट था प्लेन का वो मेरे आइलैंड के बहुत ही करीब था, इसीलिए मुझे आसान था कि मैं डायरेक्ट पैराशूट से ही उतर के वहाँ पर जा सकता हूँ। लेकिन अगर आपके हिसाब से कुछ सही नहीं है तो आप बोट भी इस्तेमाल कर सकते हो। और दोस्तों आपको एक भी मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप जो ज़्यादा मूवमेंट नहीं करेंगे अपने एवटार के साथ, ताकि आप सही टाइम पे और कम समय में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकते हैं पैराशूट में। अगर आप इधर उधर मुड़ते गए तो आपका जो डिस्टेंस है वो कम होता जाएगा, और आप पानी में लैंड कर सकते हैं, और आप पानी से फिर आइलैंड तक पहुँचने के लिए बहुत टाइम लगेगा। तो मैं आप लैंड कर चुका हूँ, और लैंड करते ही मुझे स्कॉर्पियन मिली और उसके साथ 9mm बुलेट भी। मैंने कुछ ज़्यादा उठा लिया ताकि एनिमीस आएंगे तो मुझे आसानी होगी। इसके साथ ही साथ यार यहाँ पे एक जो बोरिंग चीज़ है वो यहाँ पे सिर्फ आपको थॉम्सन ही मिलेगी, असॉल्ट राइफ़ल या फिर कोई भी राइफ़ल आपको नहीं मिलेगी, और इसके आगे ही मुझे SKS मिली, मैंने एक SKS उठा ली। तो दोस्तों ये कुछ मुझे एक्साइटिंग नहीं दिखा स्टार्टिंग में, क्योंकि SKS तो नॉर्मल गन ही होती है, पर फिर मुझे 6x मिला, फिर एक SKS पड़ी थी। मुझे एक्साइटमेंट तो तब हुआ तब मैंने मेरे आगे ही एक Kar98 गन को लाइंग अराउंड देख लिया, और मैंने Kar98 को उठा भी लिया। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि आप इधर कितना भंडार पड़ा हुआ है। इसके साथ ही साथ आपको इधर पूरा का पूरा स्नाइपर लूट मिल जाएगा। आपने अभी देखा कि मुझे Kar98 मिला, बैक टू बैक
M24 मिल गया, SKS मिल गया और इधर बैकपैक एनर्जी ड्रिंक 4X66 भी मिल गया। और दोस्तों यहाँ पे मुझे और एक 66 मिला है और इसके साथ काफ़ी सारे मेडिकेट। और यार देख सकते हो मुझे एक ही बार में 3 6X मिल गए जो बहुत रेयर होते हैं नॉर्मल मैप में। और दोस्तों इसके आगे आप जाएंगे तो आपको 8X भी मिल जाएगा। अभी मैं आपको बताऊँगा कि मुझे 8X किधर मिला और कहाँ से मिला। दोस्तों एक चीज़ तो इस आइलैंड के बारे में बहुत अच्छी है कि यहाँ पे आपको हर एक लूट मिल जाएगी स्नाइपर्स और स्कोप्स के हिसाब से। और एक चीज़ तो बहुत बुरी लगी कि आपको यहाँ पे आपको असॉल्ट राइफल नहीं मिलेगी। इधर एक M24 और एक M24 पड़ी हुई है, उतने सारे 7.62 mm एमओ और मेरे आगे ही और एक SKS। तो भाई यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको स्नाइपर का पूरा भंडार मिल जाएगा, पूरा मतलब पूरा लूट मिल जाएगा। अगर आपकी पूरी स्क्वाड इधर आ जाएगी ना तो आप पूरी स्क्वाड को एक M24 तो मिलना गारंटी है यार, हर एक बंदे को M24 मिल जाएगी। तो इसके साथ ही साथ मुझे 8X भी मिल गया, 4X भी मिल गया, 6X मिल गया और मैंने पेन किलर्स मेडिकेट एनर्जी ड्रिंक सभी कुछ थोड़े ज़्यादा ही उठा लिए ताकि मुझे मेक श्योर करना था कि मैं सही और कम हेल्थ डैमेज के साथ वापस जोन में पहुँच सकूँ उतनी डिस्टेंस कवर करने के लिए। अभी दोस्तों आपके मन में और एक सवाल हो सकता है कि यार हम आइलैंड आ चुके हैं मगर वापस जाने का क्या रास्ता है ताकि हम बहुत कम डैमेज में जोन में सर्वाइव होके लैंड तक जा सकते हैं। तो दोस्तों मेरे पास ये भी उपाय है, इस आइलैंड पे आपको एक बोट भी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों एक बोट भी मिलेगी जिसमें आपको फ्यूल पहले से ही भरा होता है। तो अगर हम कंपेयर करते हैं हमारा जो पुराना आइलैंड था जो स्पॉन आइलैंड, वहाँ पे आपको कोई बोट नहीं मिलती थी और वो बहुत ही दूर था, वापस आने में आपको बहुत डैमेज भी होता था, फ्यूल भी कभी कभी तो कम ही पड़ जाता था और इसके साथ ही साथ अब कई सारे लोग तो मर भी गए होंगे उधर। तो इसीलिए यार यहाँ पे आपको बोट भी मिल जाएगी ताकि आप वापस कम डैमेज झेल के सर्वाइव करते हुए जोन से बाहर निकल के लैंड तक पहुंच सके। तो दोस्तों अगर मेरा कंटेंट और चैनल आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू जो नोटिफिकेशन आइकॉन है उसको प्रेस करके इनेबल कर लीजिए ताकि आपको जो मेरा नया जो भी अपडेट है वो मिस आउट नहीं करेंगे। और दोस्तों मैं PUBG मोबाइल, PUBG PC लाइट और काफ़ी स्टोरी बेस्ड गेम पे रिलेटेड गेम्स को अपलोड करता रहता हूँ। तो इसलिए आपको उन सब में इंटरेस्ट है तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाओगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।